हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ वैष्णवी श्रीवास्तव। आज है नया दिन, नई शुरुआत। सो गाइज, आज है सैटरडे, सुबह 7 बजे की ट्रेनिंग होती है और मैं कर आई। और आपको यकीन नहीं होगा, मैं 15 राउंड्स मारे हैं मैंने, मतलब 1.5-2 किलोमीटर लगातार भागी हूँ मैं। 1.5 किलोमीटर तो पक्का था एंड मुझे लगा नहीं था मैं कंप्लीट कर पाऊंगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ऐसा टास्क कर लेते हो तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है ना, वो मुझे फील हुई। मतलब यू फील लाइक प्रोडक्टिव, यू फील लाइक कि यू हैव डन समथिंग फॉर योर बॉडी, सो यू शुड ऑल्सो। एंड द सेकेंड थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट आज सैटरडे था तो गौतम मेरा फ्रेंड है जो मेरे पहले भी व्लॉग्स में आया हुआ है, तो आज मैं उससे मिलने जा रही हूँ। एंड ऑल्सो देर इज़ वन मोर फ्रेंड जो कि मुझे मैंने इंटरनेट पर बनाई है, तो आज मैं उन दोनों से मिलने जा रही हूँ। एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। बट आई वॉज थिंकिंग कि मैं गौतम के लिए कुछ लेके जाऊँ क्योंकि वो अब दिल्ली बहुत कम आता है, देहरादून शिफ्ट हो गया। सो आई एम थिंकिंग टू लाइक आई डोंट नो व्हाटएवर, लाइक कुछ भी खाने का भी मैं बस उसके लिए लेके जाना चाहती हूँ, तो लेट्स गो। सो गाइज, मैं ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं उसके लिए कुछ चीज़ें ले ली। 24/7 इस टाइम पर खुला हुआ है तो आई बॉट किट कैट फॉर हिम, ही लव चिप्स, सो ये बड़ा वाला बम्पर पैक है। एंड देन दिस फरेरो रोशर के क्या होते हैं, आई डोंट नो क्या होते हैं, क्रंची डिलाइट विद हार्ट एंड कोको बेजल नट क्रीम के ये चॉकलेट का डब्बा है। एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू सी हिज रिएक्शन बिकॉज ही इज जस्ट लाइक मी, और वो भी वाला बंदा है, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे जब मज़ा आता है जब लोग रिएक्शन देते हैं ना, दैट इज़ माई फेवरेट पार्ट। एनीवेज, तो मैं ऑलरेडी नहा के पूजा वूजा करके आई थी। मैं सैटरडे को ना शनिदेव मंदिर जाती हूँ, तो चलो आज आपको भी साथ में लेके चलती हूँ, लेट्स गो। फिर उसके बाद हम घर जाएंगे, तैयार होंगे, दिखाएंगे कि हम क्या पहनने वाले हैं। चलो गाइज, मैं गाड़ी में ही अपने शूज़ उतार देती हूँ क्योंकि फिर वहाँ पे जाके दोबारा पहनना, दोबारा उतारना मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम लगता है। तो ये है शनिदेव का मंदिर जहाँ पे मैं हर सैटरडे को आती हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले लेती हूँ थाली। अगर आप शनिदेव महाराज की पूजा करते हैं तो आपको पता होगा कि तेल उन पे चढ़ाया जाता है और फूल वगैरह भी चढ़ाए जाते हैं, तो मैं इसलिए ये थाली लेती हूँ उनके ऊपर चढ़ाने के लिए। और कभी भी शनिदेव की आँखों में नहीं देखा जाता, ये मेरी मॉम ने मुझे बताया। मैं घर आ चुकी हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, बेसन का पपड़ा, बेसन की सब्जी, दही एंड पराठा। एंड सृष्टि को नहीं खा रही मैं। गुड मॉर्निंग मेरा बाबू, मैं पूजा कर आई, नहा ली और क्या कर ली, धो ली और वर्कआउट कराई। मेरा बाबू अभी सो के उठा है। नहीं, अभी नहीं उठा है, बहुत पहले का उठा है। और कृष्णा बाबू तो अभी भी सो रहा है। गाइस, मैंडेटरी थिंग ऑफ एवरी व्लॉग, अगर हम ना कंधा ना दबाऊं तो मैं मर जाऊं। हाय गाइस, बहुत ही फटाफट मैं तैयार हुई हूँ एंड आई एम गेटिंग वेरी वेरी क्लम्जी क्योंकि मुझे फटाफट दिल्ली पहुँचना है और मैं लेट निकली हूँ। इट्स ओके, आई विल ट्राई टू कवर दिस जितने जल्दी हो सके उतना मैं चलाऊँ। पर एनी वेज गाइज, इट्स टाइम टू गो। और अब मैंने वाइट कलर का जंप सूट पहना है, ये मुझे दुष्य ने दिया था, ये इयर रिंग्स आपको पता ही है मैंने कहाँ से ली है। एंड मेकअप काफ़ी सिंपल रखा है, आई एम वेयरिंग दिस वॉच, नीचे आई एम वेयरिंग हील्स पर अभी नहीं पहन रखी, ऑब्वियसली जब मैं गाड़ी चला रही हूँ तो मैं हील्स उतार देती हूँ। और फटाफट लोकेशन लगाते हैं और चलते हैं, मैं आपसे मिलती हूँ, बाय। ओह माय गॉड, हाय, हेलो, ओह शिट, आर यू इवन सीइंग मी, व्हाट अप, आई एम गुड एंड दिस व्लॉग, या दिस इज फॉर यू, ले पकड़ो। Oh my God! Yeah, this one is for you. Please, 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 पकड़ यार, बहुत देर से पकड़ के लेके। ये सब क्यों लाई हो? क्योंकि I just vlog के लिए। हाँ, सही कह रहा है। फिर तो मैंने तुम्हें बहुत सस्ते में निपटा दिया। But ये ज़्यादा अच्छा है, पता है? मैंने life में पहली बार फूल खरीदा, like legit. पहली बार फूल खरीदा। मेरी जैसी friend भी तो पहली बार बनी है ना? और इतना hopeless हो गया, मुझे लगा दोस्त तो मिलने, अरे sorry. पार्टनर तो मिलने नहीं वाला है, दोस्त सही फीलिंग ले लो। अपनी औकात पे वापस आते हुए गौतम ने बोला ब्रो बन गई, नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जमीन, डाउन टू अर्थ। कई सब हमें ऐसे देख रहे कि हम लोग न्यूली कपल हैं, एक ने चॉकलेट पकड़ी हुई है, एक रोज पकड़ा हुआ है। पर गाइस, आई जस्ट वांट टू टेल यू, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। Come on. Yeah, very, very good friends. Friend.
तो गाइस मैं पहली बार स्टारबक्स गई थी. एक्चुअली मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे को ना कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पसंद है, बट आई वॉज फैसिनेटेड टू गो. सो यहाँ पर ना काफ़ी सारे केक्स एंड पेस्ट्रीज वगैरह थे, मेरा मीठा खाने का तो मन नहीं था, तो वी डिसाइडेड कि हम जावा चिप कॉफ़ी. हमने कितने रुपए खर्च करे? 966. एंड आई डोंट लाइक इट. आई लाइक इट. He likes it. He likes coffee. Guys, it's not coffee. It's me. I don't like coffee actually. I'm not a coffee person. But I really wanted to explore. But you know, they actually made it. Like little. Oh, उसके बाद मैं गई थी मैकडी. मैं ना सीपी वाले मैकडी कभी नहीं गई. ये वाला कुछ अलग सा था एंड आई काइंड ऑफ लाइक इट. और इतना पैसा खर्च करने के बाद हम मैकडी में अपनी पेट पूजा करने आए थे एंड इट वॉज ऑल वर्थ इट, ट्रस्ट मी. सो गाइज मैं अपना फुल आउटफिट नहीं दिखा पाई थी. सो दिस इज़ माई फुल आउटफिट. आई गॉट दिस आउटफिट फ्रॉम मिंत्रा एंड या दिस इज़ माई फ्रेंड गौतम. गाइज हम एक ऑफिस में काम करते थे, हमने सिर्फ एक महीने काम किया फिर हमने साथ में जॉब छोड़ दी. बट आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हिम. इज विद माई वेरी गुड फ्रेंड, बिगेस्ट शेयर लीडर, मुझे बहुत सपोर्ट करता है एंड हम दोनों ही जब लो फील होते हैं हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं. सो या दैट इज़ इट. Bye Gautam, I'm gonna miss you genuinely. Guys, he's so the good. Best person in the on this planet. चलो भूल करो भागो. Bye. गाइज मुझसे ज़्यादा कोई गधा, बेवकूफ़, उल्लू, एक नंबर की पागल. मैं अपने आप को इतना कुछ इसलिए बोल रही हूँ, पिछले दो घंटे से आई एम ड्राइविंग. Turn left onto the ramp to Noida Greater Noida Expressway. और मैं लोकेशन पे नहीं पहुँच पा रही हूँ. मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी बेवकूफ़ क्यों हूँ. मुझे लिटरली रोना आ रहा है. क्या ही करूंगी मैं अपनी लाइफ में. मुझे रास्ते पता नहीं क्यों नहीं समझ आते. Continue for 3 kilometers. Literally traveling for 2 hours, guys. मैं अपनी location पे पहुँची हूँ. Guys, I have new friends from Instagram. और हम पहली बार मिले, मुझे ऐसा feel नहीं हो रहा. Introduce yourself. Hi guys, I'm Divyanshi और I am meeting this person looking like a wow. We are a wow personality. Wow. गाइज मैं इसे पहली बार मिल रही हूँ, मुझे एक मिनट तुम्हें फील हो रहा है क्या? नहीं यार, हमारी तो बातें अब शुरू हुई है, पता नहीं अब कब खत्म होगी. वी आर हैविंग फूड और बैटरी फोन में कम है, सो बाय. सो गाइज मैं घर आ गई थी एंड हो गया अब एक घंटा. मैं आपको क्विक स्टोरी टाइम, आप लोगों को मैंने दिव्यांशी से तो मिला दिया था, लेकिन दिव्यांशी के लोकेशन पे पहुंच जो कि 45 मिनट्स दूर था सीपी से, मुझे 2 घंटा 20 मिनट लग गया. आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड. मैंने वो क्लिप डाली थी जिसमें मैं ऑलमोस्ट रो रही हूँ. और फिर उसके बाद मेरे फ़ोन में 3% बैटरी बची थी, मेरे पास चार्जर नहीं था. मैं बस भगवान का नाम लेके लोकेशन के थ्रू घर पहुँची हूँ. मैं जान रही हूँ अगर फ़ोन बंद हो जाता, रात के 9:30 बज रहे थे, मुझे रास्ते का कोई घंटे से कुछ पता नहीं था, बट थैंक्स टू महादेव, उन्होंने पूरा साथ दिया कि ये पगलिया है, फंस गई था. पापा मम्मी भी मुझे बचाने नहीं जा पाते. गाइस मैं ऐसी बुरी फंसती क्योंकि फ़ोन में 3% बैटरी थी, बट थैंक्स टू गॉड. और मैं घर आते ही मैंने देखा कि कौन आया हुआ है. लुक हु इज हियर. वी वांट गौरी इन द व्लॉग. वी मिस गौरी. गौरी कहाँ है दीदी? प्लीज गौरी को व्लॉग में लाया करो. यू वांट टू से समथिंग? गौरी इज अ वाइब गर्ल. गौरी डिप्रेशन में निकल नहीं पा रही. गाइस मैंने ना इसके लिए इंस्टाग्राम पे इतनी प्यारी स्टोरी डाली थी, इतना प्यारा गाना डाल के, माय सिस्टर इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग वुमन एंड व्हाट शी डिड. बता क्या तूने किया इसकी आज फोटो? मैंने बोला फोटो अच्छी नहीं, डिलीट कर. मैंने इतना बड़ा पैराग्राफ अपनी लाइफ की सारी अंग्रेजी यूज करके उसको उसमें इमोजी गाना और फोटो ऐसे स्मॉल करके डाला. मैंने फिल्टर लगा. तुम देख रहे हो, इसने मेरी तो कभी नहीं डाली है. शी इज नॉट प्राउड ऑफ यू. ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तेरे नहीं डाला है. नहीं, माय ब्यूटीफुल सिस्टर करके. द ओनली टैलेंट यू हैव इज ब्यूटी. शी You have done nothing else. Shut up. मेरी बहन बहुत talented.
चाइल्ड तो बेटा तू ना है। गाइस कृष्णा ने एक बहुत ही घटिया डिसीजन ले लिया है। ओह माय गॉड, इसको लगा ये अच्छा ठीक है, इसने सोचा था कि बहुत ही हैंडसम लगेगा, बट ये एक्सपेरिमेंट करना था, मेरे को पता था मेरी शक्ल चौड़ी और बहुत गंदा लगेगा, पर तब बाबू तू बहुत क्यूट लग रहा है, मजाक कर रहा है। जाना ऋषभ ने भी हेयर कट लिया है गाइस, ऋषभ इधर देखिए, साथ में चूती है मैंने। आई जस्ट वांट टू से वेरी नाइस एक्सपेरिमेंट, डोंट ट्राई दिस अगेन। बोलो क्या कह रहा ऋषभ, रोज को सीखना चाहिए जिंदगी से, हमने सीखा बाल ही करा कुछ एंटरटेनिंग करो मेरे ब्लॉग में प्लीज, और गाने लगाओ नाचते हैं जो तू नहीं कर पाती। इसके लिए हमारे पास आती। यार कितने कमीने हो यार ऋषभ, तुम खुश हो कि तुम लोग मुझे ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हो। ऋषभ एक बार वाला शक्ल बना दे, एक बार भाई क्या मुंह पे कैमरा खोल के रखेगी क्या? एक चीज बता जिसके बिना तू नहीं रह सकती, अदर देन फैमिली एंड ऑल। खाना पानी। अरे खाना पानी तो बेसिक नीड्स है यार, एक चीज जो जिसके बिना तू बिल्कुल नहीं रह सकती, लुगाई। थोड़ी डम है क्या? वन थिंग यू कैन नॉट लिव विदाउट अदर देन पेरेंट्स एंड फूड। It's me. I can't live without me. पढ़ लेती तो इतना घटिया आंसर नहीं देती ना तुझे। I can't live without. आ मेरी यार छोड़ दे। Guys पापा ने पहली रील बनाई है। रील क्या है? अच्छा स्टोरी डाली है पापा ने गाने के साथ। कितने क्यूट। So cute. ये दुनिया है तुझे कहीं, so cute पापा। आप गाना आ रहा है कि मैंने लगाया? आपने लगाया है। So guys, that is it for the video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. So guys, आज का भारी ज्ञान ये है कि please रास्ते याद रखो, मेरी तरह बेवकूफ गधा मत बनो, नहीं तो आधे घंटे के रास्ते में दो घंटे तक घूमोगे, मतलब मुझे इतना बेवकूफ फील हुआ। एनीवेज आई विल बी मोर अटेंटिव टूवर्ड्स रास्ता, क्योंकि जब मैंने गाड़ी नहीं ली थी भाई तब तो मैं और बेवकूफ थी, मैं रस्तों पे ध्यान ही नहीं देती थी, और दैट कॉस्टेड मी अ लॉट यस्टरडे बिकॉज मुझे रास्ते समझ ही नहीं आते, मतलब लाइक मैं एक ही जगह घूमे जा रही थी। बट एनीवेज, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना। कीप सपोर्टिंग मी, लव यू, बाय।